आगे अपनी देखिए आप आई हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं ये आपकी मीटिंग से पता चल रहा है। आपके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मैम। ये जो जितने भी आंसर आपने दिए हैं बहुत इरेस्पॉन्सिबल आंसर थे, बिकॉज बजट मीटिंग, जो बजट की मीटिंग होगी बजट में चर्चा होगी, आपके पास बजट आय व्यय संबंधित सारी फाइलें आपके दिन आपके पास में तैयार होनी चाहिए। क्यों नहीं तैयार? कहाँ है फाइलें? अब आपकी फाइल मंगाई जाएगी उसके लिए ये सारे पार्सल भेज करेंगे क्या? भेज तो करेंगे, ये सारे पार्सल भेज करेंगे। पहले इनके द्वारा बताया नहीं कि आप मेरे को ये क्या क्या चाहिए, अब ये मैं बता दिया मैंने इनको। अभी क्या बताया उन्होंने? क्या पार्टी के करे वाले इस तरीके से काम नहीं चलाते, पहले तो भी काम किए होंगे, आगे से ये आगे क्या होगा ये काम नहीं चलेगा। आपकी हर फाइल और टेबल जरूर होनी चाहिए। सारी फाइलें तो मैडम टेबल पर नहीं होती थी, मान लो 10,000-20,000 फाइलें तो आपके बजट में चर्चा कर रहे हैं कि आपकी जवाबदेही बनती है कि किसी भी प्रश्न का आपको जवाब देने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहले से पता है कि आपका तैयार नहीं है, जैसे का पेपर काम कर लिया लेकिन बाकी के जवाब कौन देगा? बाकी अधिकारी आपका विश्वास काम कर लीजिए और बैठे कौन जवाब आपने तैयार होनी चाहिए, नहीं तो किसको बुरा लगेगा? चेयरमैन साहब को बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं। जितने प्रश्न आए सारे अच्छा है, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं, बिजली का जवाब मांग रहे हैं आपके, लाइट का उसका जवाब नहीं है आपके पास, क्या हो रहा है उसका दिया गया कैसे पास किया गया पार्षदों को नहीं पता है। पहले से मैम पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका जवाब पहले से कोई बताया भी और नहीं होता, आपके पास जानकारी होनी चाहिए जवाब देने के। आपके लिए चीज की जानकारी होनी चाहिए, 15 करोड़ की लाइटें खरीदी आप कह रहे हैं मुझे पहले पता नहीं, पहले प्रश्न बताओ 15 करोड़ की लाइटें शहर के अंदर आप लगा चुके हो बिना पार्षदों को बताए थे और आप ये जवाब दे रहे रिस्पॉन्सिबल बहुत गलत जवाब है। आप सुनो तो पार्षदों को सबको मुझे लगता है कि चाहे कोई भी पार्षद है सभी को जानना चाहेंगे कि इतनी लाइटें लगी है, किस प्रक्रिया में कैब लगी, क्या बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव दिया गया, क्या टेंडर किया गया, इन पार्षदों को क्यों जानकारी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे है हम सब जानते और सारे पार्षद जानना चाहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो भी मीटिंग हो उसके अंदर इस तरह का व्यवहार आगे नहीं चलेगा। आप तो पहले से सारे जवाब सारी फाइल सब तैयार होनी चाहिए और जो भी आरटीआई के सूचना मांगते हैं तो आप इसको ये बोर्ड मीटिंग में ये बात नहीं उठानी चाहिए कि हमें सूचना नहीं, इनका अधिकार है और आपको इनका अधिकार क्या मानने की बोर्ड मीटिंग की उसी दिन रिपोर्ट देने तक लोगों को नहीं, इससे ज्यादा आज दिन तक क्या होने कभी यहाँ क्या बोलते हैं 12 महीने तक भी वो नहीं दोगे हमको, यहाँ थोड़ी कहता है कि हमने उस मीटिंग में क्या चर्चा की थी, वो बोर्ड उसी दिन की रिपोर्ट अभी तक पार्षदों को क्यों नहीं अवेलेबल कराई गई है, ऐसी क्या हर ली आपको उसके अंदर कर दी है सर नहीं मिली अभी अभी तक बोर्ड मीटिंग की रिपोर्ट मेरे को नहीं मिली, क्यों नहीं देते आप जब इसी को नहीं मिली 7 दिन के अंदर बहुत मेरे घरेलू नियम है मेरे को खेल को बताओ क्या भेजी है, आप बताओ मेरे को क्या भेजी है, किसे भेजिए कौन काम भेजिए क्या बताओ मेरे को, बताओ मेरे साइन होगा नहीं मेरे यदि फोन कॉल की होगी कहीं साइन होगा अच्छा साइन नहीं है डाक द्वारा मेरे को डाक द्वारा किसी कुछ नहीं भेजी है वो बता दो, डाक द्वारा किसी को नहीं भेजी है किसी को भी डाक्टर नहीं देंगे कौन सा काम की कायदा देने उससे पता चली खेल को दी नहीं थी, ये 14 महीने वो भी लगे ऑपरेशन में नहीं उत्तर तो सर जो गवर्नर है जो डाक्टर वो यही कह रहे यहाँ डाक से सही होगी गई अभी जो भी पता कर लेंगे अगर ऐसा अगर राय नहीं पूछती है अगर किसी की सुनते अगर किसी की अपने हरा नहीं मिलता है लपड़ा जाए तो आप उनके संपर्क में जब तक कार्रवाई नहीं करोगे जब तक
कार्रवाई को धुकी नहीं है, किस स्तर पर कार्रवाई है, किस स्तर की गलती है, क्यों नहीं मिली है वो बताओ आप लोग, कर्मचारी की कार्रवाई करो, एक बार होगी तो अपने आप दोबारा वो नहीं करेंगे। और कोई पार्षद बोले अपनी भाषण के वार्ड से होकर जाता है, वार्ड पार्षद द्वारा जब डिमांड रखी जाती है तो नगर परिषद द्वारा पहली छुट्टी आपको करवा कर और ऐसे हम आदत पार्टों के समस्या है और हमारे साथ खराब हो जाते हैं, इससे विकास हो नहीं पाता है। ऐसे जो रिपोर्ट ठेकेदार है अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार का हर जिले के अंदर हर बार ये आदेश जाता है कि वर्षा होने से पहले जितने भी लोग रहने लाते होते हैं उनकी सफाई कराई जाए। क्या पिछले वर्ष बजट के अंदर उसके बारे में कोई पैसा आया था, और आया था तो किस जगह पे लगा हो, नंबर एक। दूसरा क्या है, आगामी आपकी ये योजना है कि नहीं है कि शहर के जितने भी मेन नाले ओवरफ्लो हुए हुए हैं जिससे पानी उल्टा घरों के अंदर आ रहा है, उसके लिए आपकी क्या योजना है, आपने इस बजट के अंदर उसके लिए क्या किया, इस पर ध्यान दीजिए और काम कीजिए। आपने मुख्य नालों के लिए बताया है, नगर परिषद द्वारा जो अंदर के नाले हैं वो नगर परिषद की जेसीबी से सफाई कराई जा रही है, मैनुअल भी कराई जा रही है। जो बाहर के मुख्य नाले हैं उसके लिए हमने टेंडर कर दिए हैं, टेंडर के उपरांत उनकी सफाई कराई जाएगी। वर्तमान में जैसे सर ने इसी बताऊ आपको, मेन रोड से जैसलमेर रोड की तरफ जाते हैं तो सबसे भावी नगर का जो रास्ता आता है वहां पर कल नाला ओवरफ्लो हो रहा था, उसकी पूरी था। इसी तरीके से अपना मोती नंबर 8 से जो नाला जाता है शांति नगर होते हुए उसकी सफाई के लिए टेंडर लगा दिए हैं। इस महीने में टेंडर खुल जाएंगे तो नाले सफाई के कार्य वहां करा देंगे। शहर का पूरा पानी 3 बार की बचा हुआ है, एक तो मुझे आपने बताया कि जैसलमेर रोड पानी जा रहा है, दूसरा ये शहीद चौराहे से जो पानी जो आ रहा है गांधी नगर से शहीद चौराहे से, ये सब पानी कहाँ जाता है आपकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक पानी को जाता है पिंडी चौराहे से आगे कोटला रोड की तरफ पीछे माध्यमों के पास, और दूसरा कितना भी पानी है सब आपका वो पूरे आपको देखना हो तो आप जाकर रोडवेज डिपो का नाला जो BSF के पैरेलल चल रहा है आप जाके देखिए उसकी क्या स्थिति है, रोड के बराबर पानी चल रहा है। जब यहाँ ये रोड के बराबर पानी चलेगा तो आगे जाके ये उल्टा घो में आएगा, ये पूरी हालत क्षेत्र की हो रही है। भागी नगर, नेहरू नगर और शास्त्री नगर का जो भी हाल है पूरा इस पानी की वजह से है, और ये पानी आप डाले नहीं साफ करवाएंगे, ये सिटी के अंदर आते हैं, ये सिटी से बाहर नहीं है। और जिस दिन आपने यह ट्रायल किया था 3 दिन बाद में मैंने आपके आपके लिए किया था, आपको नहीं सफाई, और अब आने वाले समय में 2 मिनट के बाद पूरा ध्यान दीजिए, 8 अप्रैल नालों की सफाई करवा दीजिए। आपके मोदी जी सौदागरी खास्त्री पूरी नहीं है, सिखा कर चलिए दुनिया पूरी नहीं है।
कलेक्टर बंगले से लेकर 5 बजे चप्पल रोड बताया यहाँ पर वार्ड संख्या 36 के आसपास पौधे लगाए गए उसके बाद आगे नहीं लगाए गए और बागपति सर्कल को तोड़ के वहाँ हाई से लगाई हाईपास जो वहाँ पर जरूरत नहीं थी उसको लेकर मैंने कई बार आपको अवगत करवाया लेकिन काम नहीं हो रही है बागपति सर्कल बना वापस अधूरा मत छोड़ो आपने जो कहते वो कथे माननीय सभापति महोदय वार्ड में कचरा संग्रहण की व्यवस्था को भी दृढ़ लगा हुआ है 55 वार्डों में केवल 7 बेड के ही काम करिए बाकी वाली आती है आप नहीं वार्ड आती वाली व्यवस्था को क्या 15 दिन नहीं आती है 15 दिन में दो या तीन बार पोस्टिंग टैक्स आती है टैक्सी वाला मामला आपके फैलिए रखना खराब हो गई है ट्रैश मैं बताना चाहूंगा कि अपने घर का टैक्सी जो सिविल के रिप्रेजेंटेटिव है इधर इसी जगह से पूछा है कि मैंने आई को इस पता की जो एक पति टैक्सी लेकर भी सबकी और पास है उस मतलब से इस टैक्सी टैक्सी को उसमें टाइम होगा और उस ठेकेदार ने वो सेवा नहीं दी पाया हमने अपने पास से उसका पेमेंट जिस तत्व के अनुरूप पूरे पेमेंट लिया था जो कि हर व्यक्ति जी भी सकता हुआ और पूरे वार्ड में ना करता उस